कितनी प्रेरणा, सबसे पहले मुबारकबाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से प्रेरणा मिली, कैसे इस सफर पे आगे बढ़े? इसकी प्रेरणा मुझे अपने घर से, अपने पिता और अपनी बड़े भाई से मिली। घर में पढ़ाई का वातावरण था जो मुझे इस ओर धकेला, और दूसरा कि समाज के लिए कुछ करना भी चाहते थे, इसलिए मैंने फैसला किया कि इस क्षेत्र के लिए कुछ किया। दिल्ली से आप दिल्ली छोड़ कर आए बिहार में, आपने सारी पढ़ाई की, लोग दिल्ली जाते हैं, आप दिल्ली से आए, क्या सोच कर आए? देखिए भैया, अगर आप जाइएगा तो दिल्ली में आज के कोचिंग में जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और मैक्सिमम टीचर्स बिहार के ही रहने वाले हैं। बहुत से टीचर्स ऐसे भी हैं जो बिहार में ही हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा फैसला बिहार आने का दो था कि दिल्ली में मुझे समय नहीं मिल पाता था, ट्रैवलिंग में काफ़ी ज़्यादा समय चले जाता था, जॉब में था तो समय नहीं मिल पाता था। तो बिहार में आने का मुख्य मकसद ये था कि यहाँ समय मिला मुझे पढ़ने का। और संयोग से मेरी पोस्टिंग मुजफ्फरपुर में हो गई, तो मुझे यहाँ सिविल क्लासेस सर्विसेज में सब लोगों से मुलाकात हुआ, इन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से अगर किया आउट ऑफ वे जाकर। और जो भी अगर मैं कहूँ कि आज मैं अगर इस सक्सेस को पाया हूँ तो उसमें सिविल सर्विस क्लासेस का बहुत 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 बड़ा योगदान है। और इसके लिए मैं रजनीश सर, मनीष सर, सुमित सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अगर उन्होंने अपना हेल्प नहीं किया था तो शायद मैं इस समाज के लिए, आपने में एक बीड़ा उठाया है समाज के लिए कुछ अच्छा करने का। वैसे शुरू से आप बोल रहे हैं कि मैंने किया है समाज के लिए कुछ करना चाहता है, चाहता हूँ इसके लिए मुझे शुरू से ही एक अंदर से है कि करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने बैंकिंग की नौकरी छोड़कर मैंने एनजीओ सेक्टर ज्वाइन किया और आज एनजीओ सेक्टर में मैं काम कर रहा हूँ, समाज के लिए ही काम कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरा इस क्षेत्र में आने का कारण ये भी था कि एनजीओ सेक्टर में मैंने जब काम करना स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि अगर मैं इस क्षेत्र में आ जाऊँ, एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाऊँ, पुलिस में आ जाऊँ, तो अपने रोल को और अच्छे तरीके से निभा पाऊँगा, समाज के लिए और अच्छे तरीके से नए छात्रों के लिए जो तैयारियां करते हैं, सपना होता है कि बाहर जाके पढ़ेंगे तो अच्छा करेंगे, तो उनके लिए क्या संदेश है आपका? मैं आज के छात्रों को दो तीन सलाह देना चाहूँगा। एक तो है कि वो पेशेंस रखें, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, पेशेंस रखें, गाइडेंस के साथ पढ़ाई करें तो ज़रूर सफलता मिलेगी। और रहा बात जो बात बोला आपने छोटी छोटी जगहों पर, मेरा जैसा अनुभव है कि ज़्यादा अच्छे शिक्षक हैं और उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वे आउट ऑफ वे जाकर आपको हेल्प करेंगे, मतलब आपको सपोर्ट करने के लिए जो एक तैयारी में होता है ना, पर्सनल टच देते हैं, वो चीज़ आपको दिल्ली, बॉम्बे या लखनऊ वगैरह में नहीं मिलेगा। वो लोग प्रोफेशनल होते हैं जनरली बड़े बड़े जगह, लेकिन छोटे जगह में वो आउट ऑफ वे जाकर आपको हेल्प करेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इससे छात्रों भी मोटिवेटेड होते हैं और मेहनत करने और ज़्यादा मेहनत करते हैं। बहुत बहुत शुभकामना।